जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है मुझे ठीक से नींद नहीं आती। मेरा स्लीप पैटर्न खराब हो गया है। घंटों बेड पे लेटने पे भी नींद आती ही नहीं। दिन में सोते रहते हैं और अनइजीनेस रहता है। ये सब प्रॉब्लम्स क्या आप भी फेस कर रहे हैं? दैट मीन्स यू आर सफरिंग फ्रॉम इंसोम्निया इन लॉकडाउन। ये एक न्यू प्रॉब्लम है जो बहुत सारे लोगों को फेस कर रहे हैं। ये क्या है और कैसे आप अपनी स्लीप को इम्प्रूव कर सकते हैं, ये जानिए इस वीडियो में। सो कीप वॉचिंग। कोरोना वायरस के वजह से ऑलमोस्ट 2 मंथ से हम लोग लॉकडाउन में अपने घर में हैं और ये कोई हैप्पी सिचुएशन नहीं है। इसकी वजह से हमें बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा है। सबसे पहले तो हमारी नॉर्मल डेली लाइफ डिसरप्ट हो गई है। हमें सुबह उठ के ऑफिस नहीं जाना होता, हमें घर से ही काम करना होता है। तो इससे हमारा डे और नाइट का डिवीजन ब्लर होता जा रहा है और हमारे बॉडी की सर्केडियन रिदम अफेक्ट हो जाती है। उसके बाद हमें बहुत एंग्जाइटीज और वरीज घेरे हुए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि हमें और हमारी फैमिली को कोरोना वायरस ना हो जाए। उसके बाद क्या हमारी जॉब रहेगी, हमारे फाइनेंसेस कैसे मैनेज होंगे, हमारे घर में राशन ख़त्म हो रहा है, कुछ चीज़ें हैं कुछ चीज़ें नहीं हैं, वरीज आर एंडलेस। कुछ लोग इस टाइम पे अकेले हैं या अपनी फैमिली से दूर है, वो आइसोलेट होके उनमें डिप्रेशन हो रहा है, वो अपनी फैमिली के लिए वरिड है, वो अपने लिए वरिड है। और हमारे नॉर्मल फैमिलीज में भी फैमिली और वर्क स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है, क्योंकि आपको अपना मी टाइम नहीं मिल रहा है, आपको घर का काम भी करना पड़ रहा है, आपको ऑफिस का काम भी करना पड़ रहा है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं उसका भी आप उनको भी आपको घर पे पढ़ाई कराना पड़ रहा है। सो हमारा इन ओवरऑल फैमिली स्ट्रेस भी बढ़ रहा है। और बिकॉज हम घर पे बैठे हैं हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज्ड वॉचिंग ऑफ टेलीविजन, लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स। ये सब चीज़ें बड़े चैलेंजेस हैं हमारे स्लीप में इस पैंडमिक के थ्रू। जो हमारी बॉडी की नॉर्मल स्लीप होती है जिसमें हम डे टाइम में काम करते हैं और हमारी एफिशिएंसी सबसे हाईएस्ट होती है और नाइट टाइम में हम रिलैक्स और स्लीप करते हैं, इसको सर्केडियन रिदम बोलते हैं। ये बॉडी के कुछ हार्मोन्स मीडिएट करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दैट इज मेलेटोनिन। मेलेटोनिन हमारे ब्रेन के पीनियल ग्लैंड से रिलीज होता है और ये नाइट टाइम के आवर्स में रिलीज होता है। ये हमारी बॉडी को बताता है कि हमें सोना है। इट इंड्यूसेस स्लीप। मॉर्निंग में जब लाइट हमारे आईज के रेटिना पे जाती है सो वो ब्रेन को एक इंडिकेशन होता है कि दिन हो गया, मेलेटोनिन की सिक्रीशन कम हो जाती है और फिर हमारी हम वेकफुल हो जाते हैं, हम और अलर्ट हो जाते हैं। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि वन, हम दिन के टाइम पे ज़्यादा बाहर नहीं जा रहे हैं सो लाइट हमारे ऊपर नहीं पड़ रही है, जिससे कि हमारे मेलेटोनिन का सिक्रीशन कम नहीं हो रहा है डे टाइम में और हमें दिन में भी स्लीपीनेस रहता है। और सेकेंड प्रॉब्लम जो हो रही है वो है यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एक ब्लू लाइट एमिट करते हैं, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो टैबलेट हो, चाहे वो फ़ोन हो, तो ये एक ब्लू लाइट एमिट करते हैं और ये हमारे ब्रेन को कन्फ्यूज करते हैं जैसे कि अभी भी डे ही है। इसकी वजह से मेलेटोनिन सिक्रीट नहीं होता और हमारी ब्रेन एक्टिव रहता है ड्यूरिंग नाइट आवर्स ऑल्सो। सो दिस ब्रेक्स आर सर्केडियन रिदम इन अ बैड वे। सेकेंड फैक्टर जो अफेक्ट करता है वो होता है हमारा स्ट्रेस हार्मोन या कॉर्टिसोल। इस टाइम पे जैसे अभी हमने डिस्कस किया, हमें बहुत टाइप के स्ट्रेसेस हैं। वो स्ट्रेसेस जब हमारे दिमाग पे रहते हैं, स्पेशली जब हम रात में अगर इनके बारे में सोचते रहते हैं, तो हमारी बॉडी से स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है जिसको कॉर्टिसोल बोलते हैं। नॉर्मली कॉर्टिसोल लेवल्स इवनिंग के टाइम पे डिक्रीज होते हैं और मिडनाइट पे सबसे लोएस्ट होते हैं, जिससे हम रिलैक्स होके सो सकते हैं। बट अगर शाम और रात के टाइम पे भी हमारे कॉर्टिसोल लेवल्स हाई रहेंगे तो हमारा ब्रेन रिलैक्स नहीं कर पाता है। तीसरा चीज होता है इंक्रीज कैफीन इनटेक। आजकल जब हम घर पे रहते हैं तो हम बहुत सारा कॉफ़ी टी वगैरह कंज्यूम करते रहते हैं। जो कैफीन होता है वो हमारी बॉडी में एक एडेनोसिन होता है उसको सप्रेस कर देता है। एडेनोसिन भी स्लीप इंड्यूस कराता है। सो ये सारे केमिकल्स के डिसरप्शन की वजह से हमारा सर्केडियन रिदम खराब हो जाता है और हमारा स्लीप पैटर्न खराब हो गया है। अपना स्लीप पैटर्न रेगुलेट करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अपना रूटीन सेट करना। हैव अ स्पेसिफिक वेकअप टाइम।
आप जिस टाइम पे नॉर्मली पहले उठते थे आप उसी टाइम पे उठे, अलार्म सेट कीजिए, अलार्म को स्नूज मत कीजिए एंड वेक अप एट द नॉर्मल टाइम। एक दो दिन आपको परेशानी होगी, फिर आपकी बॉडी उसको एडजस्ट होना स्टार्ट कर देगी। उसके बाद आप नॉर्मली जैसे आप शावर करते थे, ड्रेसअप होते थे, वैसे ही करिए। बहुत सारे लोग छुट्टी है बाद में नहा लेंगे ये सोच के अपना शेड्यूल खराब कर देते हैं। तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है हमारे मील्स। आपकी बॉडी मील्स के हिसाब से अपने ब्रेन को समझाती है कि हाँ अभी दिन का टाइम चल रहा है, अभी हमारा लंच टाइम है, अभी हमारा डिनर टाइम है। अपने मेजर मील्स टाइम से लीजिए जिससे आपकी बॉडी एक्टिव रहे थ्रू आउट द डे। देन हैव डेजिग्नेटेड टाइम फॉर वर्क, फॉर एक्सरसाइज, फॉर हाउस होल्ड चोर्स। ये नहीं कि अगर आप अभी फ्री हैं तो आप पूरा दिन सिर्फ एक मूवी देख रहे हैं या एक ही काम कर रहे हैं। अपने दिन में सारे एक्टिविटीज को बैलेंस्ड रखिए। देन आता है नाइट टाइम रूटीन, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इसमें दो चीज़ें होती हैं। वन इज द वाइंडिंग डाउन टाइम। वाइंडिंग डाउन टाइम होता है आपके स्लीप से ऑलमोस्ट एक घंटे पहले का टाइम, जब आप अपने ब्रेन को शांत कर रहे हैं, उसको रिलैक्स करा रहे हैं। वाइंडिंग डाउन टाइम के दौरान आप कोई रिलैक्सिंग एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, सम लाइट म्यूजिक, सम लाइट रीड जो आपके ब्रेन को रिलैक्स करे। ये सब चीज़ें आप थोड़ी डिम लाइट में कर सकते हैं। फिर आप अपने नाइट टाइम रूटीन्स रख सकते हैं कि आप नाइट में शावर लेंगे, चेंज करेंगे, सो उससे भी आपका एक रूटीन सेट होता है। देन थर्ड चीज होता है बेड टाइम। सो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बेडरूम को सिर्फ सोने के लिए रखिए। आप बेडरूम में अपना लैपटॉप लेके मत आइए, आप बेडरूम में टेलीविजन मत देखिए जहाँ तक पॉसिबल है, जिससे कि आपके ब्रेन को ये सिग्नल मिलेगा कि अगर आप बेडरूम में आए हैं सो आपको अब सोना है। और जस्ट स्विच ऑफ द बेडरूम शुड बी कूल, इट शुड बी डार्क एंड इट शुड बी फ्रेश। चेंज योर बेड शीट्स फ्रीक्वेंटली, हैव फ्लफी पिलोज एंड फिर आप अपने आप से रिलैक्स करेंगे। कैफीन जो होती है या कॉफ़ी जो होती है वो फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में ही लीजिए, सेकेंड हाफ ऑफ द डे में मत लीजिए। जैसे अभी हमने देखा कि वो भी हमारा स्लीप को डिसरप्ट करती है। उस सब के बाद भी अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो आपको क्या करना है? सो अगर आपको बेड पे लेटे लेटे 20 मिनट्स के आसपास हो गए हैं और आपको नींद नहीं आ रही है तो फिर इट इज़ बेटर कि आप लेटे नहीं रहें, आप उठ जाएं और डिम लाइट में, एकदम फुल लाइट दोबारा मत ऑन कीजिए, डिम लाइट में कोई रिलैक्सिंग चीज़ें कीजिए जो आप वाइंडिंग डाउन टाइम में कर रहे थे, और फिर थोड़ी देर के बाद सोने की कोशिश कीजिए। कुछ दिन के बाद आपका शेड्यूल सेट हो जाएगा। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है आफ्टरनून नैप्स। जस्ट बिकॉज हम घर में हैं आप आफ्टरनून नैप्स लेना स्टार्ट मत कर दीजिए। वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसके वजह से हमारा नाइट टाइम रूटीन खराब होता है। अगर आप बहुत टायर्ड हैं या आप लॉकडाउन से पहले भी नैप्स लेते थे तो मिनिमम 20-30 मिनट्स मैक्सिमम आप नैप ले सकते हैं। इसके बियॉन्ड अगर आप आफ्टरनून में नैप्स लेते हैं या आप अर्ली इवनिंग्स में नैप्स लेते हैं तो डेफिनेटली आपका नाइट टाइम रूटीन खराब होगा। ऑल दीज थिंग्स विल हेल्प टू ब्रिंग योर सिस्टम बैक। देन एवरी डे ट्राई टू गेट सम लाइट। अगर पॉसिबल है तो आप गार्डन में जा सकते हैं, आप वॉक के लिए जा सकते हैं। अगर पॉसिबल नहीं है तो आप अपने घर के रूफ पे जा सकते हैं, विंडो के पास जा सकते हैं, जिससे कि आपके आईज को दिन के टाइम पे नेचुरल लाइट मिले, आपके ब्रेन को ये सिग्नल मिले कि अभी डे हो गया है और मेलेटोनिन का सिक्रीशन कम करना है, जिससे आप दिन में एक्टिव रहें। प्लस एक्सरसाइज इन एनी फॉर्म, फ्रेश एयर इन एनी फॉर्म इज गोइंग टू बी गो अ लॉन्ग वे इन इम्प्रूविंग योर इम्यूनिटी एंड योर हेल्थ ओवरऑल। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आप अपने स्ट्रेस को बेडरूम तक नहीं लेके जाइए। जैसे हमने डिस्कस किया इस टाइम पे बहुत सारे टाइप के स्ट्रेसेस हमारे दिमाग में हैं, सो आप अपने डे में एक 20 मिनट का टाइम फॉर स्ट्रेस रख सकते हैं, जहाँ पे यू कैन हैव योर कॉर्नर इन योर रूम, जहाँ पे आप बैठें, आप अपनी चीज़ें सोचें कि जो भी प्रॉब्लम्स आपको फेस कर रहे हैं या आपके दिमाग में चल रही हैं, जस्ट राइट दैट डाउन। राइटिंग इट डाउन विल हेल्प यू टू फाइंड सॉल्यूशंस फॉर इट, एंड कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी भी हैं जिसका सॉल्यूशन अभी हम नहीं निकाल सकते, सो जस्ट डोंट स्ट्रेस अबाउट दैट।
एंड जब अगर हम आपको नींद के टाइम पे सोने के टाइम पे अगर आपको फिर से वो वाली प्रॉब्लम्स वो वाला स्ट्रेस आपको याद आता है तो तब आप अपने ब्रेन को समझाइए कि अभी ये सोचने का टाइम नहीं है, कल मैं इस टाइम पे ये वाली इश्यूज के बारे में सोचूंगा. दिस विल हेल्प टू लेसन योर स्ट्रेस लेवल्स एट बेड टाइम. एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई वॉन्ट टू रीइंफोर्स अगेन, डू नॉट कैरी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इनटू योर रूम, बीट फोन्स, टैबलेट्स, लैपटॉप्स, बिकॉज द आर्टिफिशियल लाइट दैट कम्स फ्रॉम देम स्टिमुलेट्स द ब्रेन एंड डिक्रीजेस द स्लीप. ये सब चेंजेस करने के बाद एक दिन में आपकी नींद ठीक नहीं होगी, इट विल टेक फ्यू डेज, बट उसके बाद आपका जब पैटर्न एक बार सेट हो जाएगा देन दैट विल गो अ लॉन्ग वे. अगर आपकी स्लीप अच्छी है तभी आप फिजिकली एंड मेंटली स्टेबल रहेंगे और आपकी इम्यूनिटी इम्प्रूव हो जाएगी. अगर इन सब के बाद भी आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं देन गेट इन टच विद योर फिजिशियन एंड वील सी वॉट वी कैन डू मोर टू हेल्प यू. आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल. आप में से किसी को भी स्लीप रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन राइट इट इन द कॉमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई एंड हेल्प यू. आई एम डॉक्टर रिचा सरीन, आई एम अ कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट एंड अ स्लीप स्पेशलिस्ट. And thank you for watching the video. Please subscribe to my channel for future medical updates. Thank you so much.